हेलो, वेलकम बैक न्यू वीडियो गाइज। मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। सो गाइज, आपने मैगी बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन आज मैं नए तरीके की मैगी बनाऊंगी। और इस तरीके से गाइज आप बना सकते हैं मैगी। तो गाइज, मैंने बड़ा पैकेट मैगी का ले लिया है। इस तरीके से बड़ा पैकेट मैंने मैगी का ले लिया है, और इस बड़े पैकेट के साथ गाइज छोटा पैकेट फ्री में मिला है, और मैंने लिया है मैगी मसाला। तो गाइज झटपट बनाते हैं मैगी। बच्चों के लिए बहुत पसंद है, आपको भी गाइज बहुत पसंद होगी। तो इस तरीके से गाइज आप मैगी बनाइए। तो मैं गंगा बैराज वाली मैगी बना रही हूँ। तो चलते हैं मैगी चटपटी मसालेदार बनाने के लिए। तो इससे पहले आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं गाइज, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे। तो गाइज मैं बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में। तो लोहे की कढ़ाई में अब कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैंने डालूंगी इसमें ऑनियन, जो मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काटा है, बारीक कटी जा रही है। तो गाइज ऑनियन जो है गुलाबी हो गया है, ट्रांसपेरेंट। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर प्याज जाएगा, इसे थोड़ा सा पकाना थोड़ा कम है, बस ट्रांसपेरेंट करना है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ऑलरेडी हरी मिर्च पड़ी हुई है, एक चुटकी गरम मसाला और एक चुटकी से कम धनिया पाउडर, आधा टीस्पून से कम टर्मरिक पाउडर। अब मैंने लिया है मैगी मसाला, अब इसमें मैगी मसाला डाल देंगे। मसाला परफेक्ट तैयार हो गया, टमाटर भी पक गया है इस तरीके से। अब डालेंगे इसमें मैगी। तो गाइस मैंने पैकेट ले लिया है मैगी का, मैगी खोल दी हूँ। तो गाइस मैगी मसाला डाल दिया है, अब मैगी तोड़ के डाल देंगे। इस तरीके से। तो गाइस इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब मैगी में निकला है गाइस ये मसाले, अब इसको मसाले को खोल के डाल देंगे। एक एक करके पाउच इस तरीके से सारे मसाले डाल देंगे। तो मैं सारे मसाले डाल दिए हैं, अब इसको चलाएंगे इस तरीके से। मैगी गाइस थोड़ी ज्यादा है, तो इसमें मैंने डाला है 3 गिलास पानी। और इस तरीके से चलाने के बाद इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो मैंने ले लिया थाली में, खोल आने लगी है, और इसको इस तरीके से ढक देंगे। मिलते हैं गाइस इसमें खोल आ जाने के बाद। थाली को मैंने ढक दिया था गाइस, अब इसको खोल के देखेंगे कि मैगी किस तरीके से बनी है। तो गाइस इसको चलाएंगे मैगी को। तो मैगी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो आधा ग्लास इसमें पानी और ऐड कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी मस्त मैगी बनी है, चटपटी मसालेदार। अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें खोल आने का इंतजार करेंगे, क्योंकि मैंने पानी डाला है। और ये चटपटी मसालेदार मैगी इस तरीके से आप गाइस बना सकते हैं, और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और बच्चों को खिलाइएगा, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये गंगा बैराज में, यहाँ पर कानपुर की स्पेशल मैगी है, तो यहाँ गंगा बैराज में बनाई जाती है। और आप जब आएंगे कानपुर घूमने, तो गंगा बैराज में आप कभी खाइएगा मैगी, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है खाने में। इस तरीके से स्पाइसी मैगी आप बना सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। तो गाइस मैगी बनकर तैयार हो गई है, खोल आ गई है। गार्निश के लिए डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अगर बच्चों को पसंद है तो गाइस डालिएगा, वरना नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से इसको चलाएंगे, थोड़ा सा डालेंगे गाइस इसमें बटर। तो
तो गाइस मैगी बनकर तैयार हो गई है, उसको सर्व कर लेती हूँ। इस तरीके से आप मैगी बना सकते हैं और बच्चों को खिलाइएगा। तो लीजिए गाइस मैगी सर्व कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने सर्व कर दिए। इस तरीके से गाइस आप मैगी बनाकर खा सकते हैं और खाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा। तो गाइस आपको स्पाइसी मैगी कैसी लगी, चटपटी मसालेदार, टमाटर ऑनियन प्याज वाली, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी जगह से देख रहे हैं कि शहर से देख रहे हैं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और खाइएगा मैगी। थैंक यू भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। दो दो।